हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है मेरा एक न्यू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। ये देखिए, चिकन ले आया हूँ और इसमें डाल रहा हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा और डाल देंगे, उसको धोधा के डाल बाद में डालना है। और एक टिकट डाल दे रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और डालेंगे इसमें दो चम्मच, दिखा चाहिए नमक हो गया, और दिखा ये हल्दी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल दिया। चिकन को चिकन तरह दिखना चाहिए। ये धनिया पाउडर डाल देना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालेंगे। हो गया, इसको कहीं रख देना जी। दही डाल दे रहे हैं, रुक जा चम्मच। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है दही को, उसके बाद मिलाना है। अमूल का दही एकदम ताज़ा ताज़ा लेके आया हूँ मैं मार्केट से। रुक रुक जी, दही मिला दिए। सबको मिक्स कर लेते हैं दोस्तों, पूरा एकदम अच्छा से मिला देना है। देखिए, इसको अच्छी तरह से मिला देना है दोस्तों। मेरे उसके बाद मैरिनेट के लिए रख देंगे फ्रिज में आधे घंटे के लिए। तब तक से मैं नहा हुआ लूँगा। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में, एक नंबर लग रहा है दोस्तों। मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा जरूर दोस्तों, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि व्यूज मेरा बढ़ नहीं रहा है। तो आप लोग से अनुरोध है, कृपया करके थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा मेरा वीडियो को। इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ये हाथ में सारे मसाले आ गए, ऐसे नहीं, ये वाला कब्बे से हम रखल देखें, दो तीन दिन से देख रहे हैं, पूरा महक रहा है। देखो पूरा प्याज को अच्छे से दिए तो उतना ही बंद करो। इतना सारा प्याज काट लिया दोस्तों, देखिए ये धनिया और पुदीने को काट ले रहा हूँ बारीक से, बारीक बारीक काट ले रहा हूँ। ये है धनिया एक साइड पुदीना। तो चावल को भिंगा देते हैं, तब तक से जितना गिलास चावल उतना गिलास पानी डालना पड़ेगा। एक गिलास चावल हो गया, इतने बनेंगे का, इतने काफी है कि बढ़ा देना थोड़ा। इसमें पानी डाल देते हैं भिंगने के लिए, भिंगा के छोड़ कम से कम 30 मिनट तक भिगो के रखना है, भिंगने के लिए छोड़ दूंगा। ये चालू रहेगा, ये हो गया, ये भिंगते रहेगा। प्याज डाल दिया हूँ, प्याज नहीं डाला हूँ, गोटे मसाले डाल दिया हूँ, खड़े मसाले ज़्यादा डाल दिया हूँ, जल नहीं लगता है सब। समझ में सब कहाँ कहाँ रखा पड़ता है, पता नहीं चलता है।
प्याज डाल दी है दोस्तों, निकाल लेते हैं दोस्तों। कुछ जो ये हो गया है पूरा ब्राउन हो गया है, बाद में करने के लिए काम आएगा। कुछ प्याज को निकाल लेते हैं इसमें छन्नी में। प्याज प्याज को निकालेंगे वो सब, मैरिनेट हो चुका है दोस्तों, इसको डाल देते हैं सीधे इसमें। बताओ यहाँ रखना नॉर्मल, इधर रखना रखने को रखो यार, इसको सबको डाल देना है और इसको अच्छा से लगातार चलाना है, नहीं तो दही फट जाएगा। फैला के उसको रखो अच्छा से। टोना टोनी नहीं करो, किया करो रहो तो मेरा सामने, यही आदत वहां हम क्यों नहीं लगता है, गरम गरम सटा देता है। ये नींबू निचोड़ ले रहा हूँ दोस्तों, क्या कि हम लोगों के पास विनेगर तो है नहीं, विनेगर की जगह में नींबू ही डालेंगे। नींबू का रस चढ़ा दिया हूँ, उसमें डाल देंगे दो तेजपत्ता। थोड़ा हम लोग का उधर फ्राई में गलती से चला गया था, अलग से निकाले थे, वो सबको इसमें डाल देंगे। आपका जायत्री उत्री है, जितना गरम मसाला का आइटम खड़ा मसाला वो डाल दिया हूँ, और लौंग इलायची सब डाल दिया हूँ, पूरा यही हो जाए, नहीं तो चावल फिर सीठा सीठा लगेगा नहीं डालने से। दोस्तों हम लोगों का पानी जो है अब गर्म हो रहा है, थोड़ा भाप निकलने लगा, तो एक बार इसको देख लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों चिकन का कलर देखिए, पूरा कलर आ गया है एकदम, करीब करीब 70% पक भी गया है, थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा है क्या नीचे, उधर से दिखा मेरे भाई, दूसरी तरफ से कहा दिखाती हो, कैमरामैन अच्छा से दिखाओ। देखिए दोस्तों चिकन का पोजीशन देखिए, आप लोग देख के जरा बताइएगा भी कैसा दिख रहा है, आप लोग कैसा लग रहा है, ऐसा वाला चिकन आप लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं कभी। हम लोग बड़े डेंजर वाला बना रहे हैं एकदम, तो बड़का बड़का चिकन, चिकन पीस पीस देख के ही मज़ा आ जाएगा एकदम। इसका और थोड़ा पकने दो धीमी आँच में, इधर लो आँच है कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ढक के रख देते हैं और इधर का प्रक्रिया करते हैं। ये चावल डाल देते हैं दोस्तों, देखिए अच्छी तरह से मेरा चावल ये हो गया है, अभी मात्र 2% पका हुआ, मतलब भींगा है तो 2% ये हुआ है। अब इसमें डाल देते हैं उसमें, इतना पानी डाले हैं कि मतलब इसी में पक जाए पानी और बचे नहीं। दस मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है,
उबाल आ जाए 10 मिनट में मेरा रेडी हो जाएगा, उधर फिर 5 मिनट उसमें पकेगा, गार्निश करेंगे उसके बाद। महंगा चावल है इसलिए इसको बर्बाद नहीं करना है, सबको डाल देना है एकदम अच्छे से। तड़का डाल देते हैं दोस्तों, यह है बिरयानी मसाला MDH का, ज़्यादा उसमें डलाएगा फिर, इसमें हल्का हल्का डलाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस तरह का वीडियो कुछ दिन हम छोड़ दिए थे वीडियो बनाना, मगर फिर से चालू किए हैं, तो ज़रा आप लोग ध्यान दे रखिएगा दोस्तों। रेडी हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं चावल एकदम फर्स्ट क्लास 70% लगभग पक गया, अभी बाकी बाद में पकेगा। अब उतार देते हैं इसको, चिकन एकदम मज़ेदार दिख रहा है दोस्तों, पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, मस्त लग रहा है, क्या ही मस्त है। देखिए दोस्तों इस तरह का चिकन एकदम लाजवाब शाही टाइप का एकदम बन रहा है, एकदम शाही की बिरयानी हो गया, गजब। हल्का सा घी डालेंगे ताकि चिपके नहीं, ये डाल दिए, मिक्स कर दीजिए, चला दीजिए घी हो गया। एक्लेयर पहले चावल डाल देते हैं थोड़ी सी, आँच कम करो, एकदम लो करो फ्लेम को, लो आँच लो करो, रखने नहीं पड़ता ग्रेवी डालेंगे, प्याज भी डलाएगा, सब डलाएगा, प्याज के ऊपर में डालेंगे, ये ग्रेवी थोड़ा डालेंगे, ग्रेवी बचाना है ना, बचाना है, रुको, ये गया हल्का सा धनिया, ठीक है, उसके बाद फिर से चावल जाएगा, हल्का सा दूध बहुत छिटकेगा नहीं तो गिरेगा तो बहुत खराब पैर हाथ लगी हो जाएगा। दूसरी लेयर डाल रहे हैं दोस्तों, दूसरा लेयर, ये दूसरी लेयर डाल दिए, पूरा फैला दो इसको ऐसे करके, जाने से लेकर गुलाब जल जितना आज हम लोग निकाल के रखे थे उसको डाल देंगे ऊपर से हल्के हल्के, धनिया पत्ता, तीसरी लेयर जा रही है, तीसरा लेयर, दोस्तों ऊपर से इसको बंद कर दे रहे हैं आटा डाल के ताकि गैस बाहर ना निकले, थोड़ा सा गैस अंदर रहेगा तो उसका खुशबू अच्छे से आएगा, एक भी हवा अंदर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस तरह बंद कर देना है। देखो कम हो गया, नहीं कम हो गया है, किधर किधर नहीं थे चिकन मसल, उधर डालना साइड साइड में, अभी बीच में तो सब तरफ डालना लगी है, किधर डालू,
बीच में, बीच में ऊंचा है, इसको डाल देंगे बीच में, हल्का सा इसमें पानी, देख सकते हैं दोस्तों, गार्निश कर दी पूरा। अब केवड़ा के फूल लगाओ थी जल, केवड़ा वो लग हल्का छिड़को इस पर, जो बचा है मेरा चावल सबको डाल देंगे। ढकाएगा, ढकाएगा पूरा लेयर कर करके डाल देंगे। प्याज को डालते जाओ, फैला के डालो सब तरफ। ज़्यादा देर रखने नहीं है, अब कर कोई सीज गया है पूरा तो क्या रखेंगे इसको ज़्यादा, चिकन भी मेरा सीझल है, खाली गर्म होने तक रखना है, लो कर ही है ना। अच्छा गार्निशिंग हो गया, अब इसको करना है। पूरा डाल देना है, तरह पैक कर दिए इसको आटा से, ताकि एक भी गैस ना निकले बाहर। हमारा 80% पक चुका था, का पक के रेडी हो गया। अब देखिए निकालते हैं कैसा दिखता है, कैसा लगता है, बना कैसा है। एक थी दो या खाली, चलो हमें आटाना पड़ेगा, आटा तो काम देगा ये। आटा हम लोग का पक गया है, मिठू कम से कम खाएगा, मिठू को दे देंगे दोस्तों खा लेगा। चबा चबा ऐसे खुल गया, कपड़ा तो लाओ बाबू, एक कपड़ा ला तो ऊपर में। खुशबू कैसा, खुशबू आ रहा है आहा। आप लोग को तो खुशबू नहीं सुना रहा होगा, हम लोग को सुना रहा है, मजा आ गया। इसमें सटा मत ला, अरे प्लेट तो ही मेरे को एमसी से कर लेते ना, प्लेटें अच्छा से रखो, लेग पीस यहाँ ढूंढना पड़ेगा ना, किधर चल गया था, नहीं चिपकेगा जी, कहाँ चिपक रहा है। सोनू को बुला के लाओ, दो पीस लिया तो नहीं मिलेगा। खा के देखते हैं, ट्राई करके देखिए कैसा पका है कि नहीं पका है। चिकन तो मस्त पका है, टूट जा रहा है, एक नंबर बना है दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।